मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट डे है और रात को हम यहाँ रूम्स में रुके थे मोनेस्ट्री में। और अब हम आपको लेके चलते हैं, ये जो सामने देख रहे हैं आप बुद्धा स्टैचू, यहाँ पे आपको लेके चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये है मोनेस्ट्री डिस्क्रिप्ट की। रात को भी हम यहाँ पर आए थे 9 बजे, मगर काफ़ी अंधेरा था, पैदल आए थे हम डिनर के बाद वॉकिंग करते हुए थोड़ा, तो उस समय तो काफ़ी अंधेरा था यहाँ पर। इसलिए अब आपको अब मॉर्निंग में लेके आए हैं आपको, ताकि अच्छी तरह से दर्शन करा सके। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं बुद्धा स्टैचू पे, ऊपर लेके चलते आइए आपको। सामने आपको नुब्रा वैली नज़र आ रही है सारी, और यहाँ से थोड़ा आगे ही अंडर है सैंड ड्यून्स। ये है जी बुद्धा स्टैचू, 106 फुट हाइट है इस स्टैचू की, और सी लेवल से 10,308 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है जी। ये देखिए भगवान बुद्धा का स्टैचू। तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे 360 डिग्री का व्यू। ये पीछे बुद्धा स्टैचू, और ये चारों तरफ पहाड़। और अभी मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये नुब्रा वैली है और सामने पीओके है, और भारत का जो इंडिया का लास्ट विलेज बताते हैं टुटुक, वो भी इधर ही है। और ये आपको दिखाते हैं, ये मोनेस्ट्री है मेरे पीछे। डिस्किट से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले एटीवी बाइक राइड्स के कुछ काउंटर्स आते हैं, जहाँ सैंड ड्यून्स पर आप एटीवी बाइक राइड्स का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ सैंड्स पर एटीवी बाइक राइड्स कर सकते हैं, और जिप लाइन भी है यहाँ पर अवेलेबल, तो आप जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। कितने का टिकट है भैया? 2 का 1200। एटीवी पे कितने बैठते हैं एक बाइक पे? मैक्सिमम 2 आदमी। ड्राइव हम ही करेंगे आप? ये डिस्किट पहुंचने से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले है, ये ड्यून्स पे आप सैंड ड्यून्स यहाँ पे आप राइड कर सकते हैं। अच्छी एक्टिविटी है, एंजॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम नुब्रा वैली से जा रहे हैं पेंगोंग लेक। नुब्रा वैली से पेंगोंग जाने के 2 रूट्स हैं, एक वाया श्योक विलेज और दूसरा वाया वारिला एंड चांगला पासिस। ये है नुब्रा वैली का पेट्रोल पंप, तो यहाँ हम बाइक में अपने पेट्रोल टॉपअप करवा लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कम है। अगर आप यहाँ से उंडर से आगे पेंगोंग मनाली वगैरह जा रहे हैं, तो कृपया करके अपने यहाँ पे टैंक फुल करा लीजिए। अगर टू व्हीलर पर है तो एक्स्ट्रा जो पेट्रोल वो कैरी कर लीजिए, क्योंकि आपको शायद आगे पेट्रोल पंप मनाली से पहले जिस्पा के पास ही जाके मिलेगा। रोड अभी भी अच्छा है, कंडीशन अच्छी है, बीच में कुछ लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच थोड़ा बहुत आया था, बाकी ओवरऑल रोड अच्छा चल रहा है। अब नुब्रा वैली से पेंगोंग वाया श्योक पहले से ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ की रोड कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर हो गई है।
और ये रूट वारिला से काफ़ी छोटा भी है। कुछ समय पहले तक श्योक रूट लद्दाख का सबसे वर्स्ट और खतरनाक रूट माना जाता था। यहाँ तक कि लोकल ड्राइवर्स भी वाया श्योक नुब्रा वैली से पेंगोंग जाने से बचते थे। केवल जो लोग एडवेंचर करना चाहते थे वही इस रूट से जाते थे। टाइम लगती है गाड़ियों को, टूरिस्ट सीजन है तो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए इस समय यहाँ पर। ये देखिए सारे टैक्सियाँ। दूसरी ओर यदि आप नुब्रा वैली से पेंगोंग वाया वारिला जाना चाहते हैं तो इसमें आपको 4-5 घंटे से ज़्यादा का टाइम और लगेगा, क्योंकि ये रूट लगभग 60-70 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है और रास्ते में आपको 2 हाई पासिस वारिला और चांगला भी पार करने पड़ेंगे। पूरा ज़्यादातर सुखी पड़ी देखिए, पूरा बीच में कुछ कुछ है जो कि पानी है कहीं कहीं जगह, बाकी सारा सूखा चला गया है। सैंड। तो फ्रेंड्स हमने भी वाया श्योक पेंगोंग जाने का डिसाइड किया। तो ये देखिए आप रोड की कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई है और कई जगह पर तो इससे भी ज़्यादा काफ़ी स्मूथ रोड बन गए हैं। नुब्रा वैली से श्योक रूट लेने के लिए आपको पहले कलसर वापस आना होगा, जहां रोड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। राइट साइड का रोड ऊपर खरदुंगला की तरफ जाता है, आपको लेफ्ट साइड रोड पर अगम पर जाना पड़ेगा। आगे अगम पहुंचकर रोड फिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। राइट साइड का रोड वारिला की तरफ चला जाता है और श्योक के लिए आपको लेफ्ट साइड के रोड को पकड़ना होगा। यहाँ से आप डुरबुक होते हुए लेह पेंगोंग लेक पर पहुँच जाएंगे और इस रूट पर से निकल रहे हैं पेंगोंग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कितने शानदार और स्मूथ रोड बन गए हैं यहाँ पर। मगर बरसात में जब श्योक रिवर में पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो आप इस रूट से नहीं जा सकते, क्योंकि ये सारा रूट पानी में डूब जाता है। लोग गाड़ी बीच में रोक कर खड़े हुए, यहाँ पर सारा इनकी ऐसे जाम लगा हुआ है। इस रूट पर आपको बीच बीच में कुछ ओवर रोड के स्ट्रेस भी मिलेंगे और कई जगह रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता हुआ मिलेगा। ओवरऑल रोड काफ़ी स्मूथ है यहाँ पर, बस कुछ पैचेस को छोड़कर। पहाड़ियाँ आए हैं बरसात में घिस घिसते हुए, सारा रोड इकट्ठा हो रहा है, सैंड हो रही है सारे जगह जगह। रास्ते में आपको कोई ढाबा या रेस्टोरेंट आदि नहीं मिलेंगे। अगम से आगे जाकर एक लोहे के पुल को पार करने के बाद एक छोटी सी स्टॉल नज़र आएगी, जहां आप कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं और चाय कॉफ़ी के साथ यहां की ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल व्यू शुरू हो गया पहाड़ों के बीच में से, इसे देखकर मुझे याद आती है अपने स्कूटी की खास संगम, वहाँ भी पहाड़ों के बीच में जैसे ही रूट निकाला गया था। और ऐसे ही दो चट्टानों के बीच में से यहाँ से रूट निकला पहाड़ों के बीच में से, काफ़ी बढ़िया है। ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिली है ना, कोई वाटर बॉडीज अभी तक मिला। बाकी आगे देखेंगे पेंगोंग के बाद कि कुछ होता है कैसा, क्या एडवेंचर है, क्या रूट है।
स्ट्रोक जाते हुए बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े स्ट्रेच ऑफ रोडिंग के मिलेंगे, कहीं आधा किलो, कहीं आधा किलोमीटर, कहीं एक किलोमीटर वाटर बॉडीज तो नाके बराबर ये हुए लगभग दूसरा है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है ऑफ रोडिंग का ही, देखते हैं कितना है। ज़्यादा ऑफ रोडिंग के स्ट्रेच एक साथ आने रहे, थोड़े थोड़े बीच में आए हैं कुछ। बस इतना स्ट्रेस था ये छोटा सा, फिर स्लो थोड़ा गया। ये देखिए क्या सुंदर और स्मूथ रोड है। ये सब बीआरओ वालों की मेहरबानी है जो आज हम इस रूट पर और इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, वरना तो लोग घबराते थे इस रोड पर आने से। यदि आप शोक रूट से नुब्रा जाते हैं तो इसका टोटल डिस्टेंस लगभग 160 किलोमीटर है और इसमें आपको लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। दूसरी ओर यदि आप वारेला रूट से जाते हैं तो उसमें आपको लगभग 250 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि लगभग 5-6 घंटे आपको उसमें और फालतू लगेंगे, और आपको उसमें 2 हाई पासिस पार करने पड़ेंगे, वारेला और चांगला, जबकि श्योक में आपको कोई हाई एल्टीट्यूड पार नहीं करना पड़ता। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर लैंडस्केप चेंज हो जाते हैं। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। देखो जी सामने एकदम फ्रेंड्स आखिर हम पहुंच ही गए हैं पेंगोंग लेक। ये देखिए ब्लू लेक एकदम, ये पेंगोंग लेक है। 3:30 बजे हम पहुंच गए। पेंगोंग लेक का 1/3 हिस्सा इंडिया में है और 2/3 हिस्सा चाइना के अंदर बताया जाता है। ये देखिए लेक का व्यू, क्या ब्यूटीफुल लेक है एकदम। वाह क्या लेक है, एकदम ब्लू वाटर। वैसे लेक 3 कलर बदलती है, ब्लू ग्रीन और ब्राउन टाइप में होती है, कई बार चेंज होता है इसका कलर। तो फ्रेंड्स इस समय है हम पेंगोंग लेक पे। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल व्यू है पेंगोंग लेक का, एकदम ब्लू पानी है, आपको आगे से दिखाते हैं इसमें। ये देखिए इस समय लेक में 2 कलर का शेड नजर आ रहा है आपको, एक ब्लू और ये ग्रीन स्पेस जा रहा है बीच में।
ग्रीन ग्रीन पैच है और आगे ब्लू कलर है सारा, डबल कलर का शेर है इसमें। देखिए सामने इसका डबल कलर देखिए, देख का एक कलर इधर ब्लू नजर आ रहा है, उधर ग्रीन नजर आ रहा है। ये देखिए सामने ये पेंगोंग लेक के पानी की आवाज़ सुनो जी, देखो कलर देखो और आवाज़ सुनो। तो फ्रेंड्स एक डेढ़ घंटा पेंगोंग लेक पर बिताने के बाद अब हम चल पड़े हैं होम स्टे की तलाश में। पेंगोंग के किनारे टेंट्स में रेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा आगे विलेज में स्टे करने की सोच रहे हैं। तो पेंगोंग पहुंचने के बाद हम रुके हैं सोनम होम स्टे में, मिराक विलेज है ये आगे पेंगोंग लेक स्टार्ट होने से लगभग 25 किलोमीटर आगे ये मिराक विलेज पड़ेगा। तो इसमें हम होम स्टे में रुके हैं, एक रूम में 5 बेड है और 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लिया इन्होंने, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर और चाय वगैरह मिलेगा इसको। यह है होम स्टे, यह है इस होम स्टे का एक तरह से आपके लिए ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम। और अब आपको दिखाते हैं रूम जहां हम रुके हैं, जिस कमरे में 5 बेड लगे हुए हैं, ये देखो भाई। Most of the persons are traveling through bike and ana kale to possible nahi unko bolenge ruko photo mari thi chale de।